हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? घर परिवार में सब लोग कैसे? वैसे तो सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड, आज का जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, हर्ष गुजराल जी की कॉमेडी वीडियो है और वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। तो पहले हम लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, इसके बाद करते हैं बहुत सारी बातें। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो को देखते हैं हम लोग। मैं एक इंजीनियर हूं और इसमें क्या हंसने की बात है? मैं एक इंजीनियर को ताली बजाती। कितना है, कोई है यहाँ पे इंजीनियर बीटेक है? इतने से रूम में आधे भरे पड़े हैं। देखो, इंडिया में इतना इंजीनियर पता क्यों है? 2005, 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास इंडिया में एक बीटेक की नदी बह रही थी, तो माँ बाप पता करते अपनी आंखें बंद कर देते, अपना बच्चा उठा देते और यूं करते हैं। उसके बाद बच्चा तैर रहा है, डूब रहा है, नदी में मर रहा है, मछलियों के साथ संभोग कर रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है, बेटा संभोग जो होता है ना, अभी जो वो पुराने लोग बोलते थे, जेन ज़ी के लिए रोमांस होता है। हाँ, मेरे बाद में मुझे 12th के बाद पूछा, हर्ष तुम्हारा क्या मन है करने का? मैंने कहा पापा LKG UKG मिला के मैं 14 साल से पढ़ाई करो कह रहे थे, तो मैंने कहा मेरा आराम करने का मन। तो कहते यूं ही जिंदगी भर बाप के टुकड़ों पे पलते रहोगे? मैंने कहा मुझे दिक्कत नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? कहते बीटेक कर लो। मैंने क्यों? कह रहे माहौल चल रहा है बीटेक का। मैंने माहौल तो चोरी चकारी का भी है पापा। डकैती डाल दे। कह रहे बेटा बीटेक करोगे 2 वक्त की रोटी कमाओगे। और बाय गॉड, मेरे बाप ने सच बोला था, जितने लोगों ने बीटेक करी है ना, ये 2 ही वक्त की रोटी कमा रहे हैं। आपको इनके पास अपनी सब्जी भी नहीं है, इनको सब्जी के लिए 3rd वक्त में जाना पड़ रहा है। वहां राजकुंद्रा बैठा हुआ है, हमारी पिक्चरों में काम करोगे? इंजीनियर्स वहां भी रिजेक्ट हो रहे हैं। प्यार और पैसा दोनों नहीं है इंजीनियर्स की जिंदगी में। मैंने सुना है कोई कहता है कि अगर आप इंडिया में भीड़ में पत्थर मारो इंजीनियर्स को लगता है। भाई जब से मैंने बीटेक करी 15-20 पत्थर खा चुका, ये कौन चूतिया है जो मार के चेक कर रहे? मुहावरे कॉन्टेस्ट करते, फट के 4 हो जाना, हो थोड़ी जाती है। मैंने तो कभी नहीं महसूस करी। कोई लड़की IT में जॉब करती है? एनी गर्ल इज वर्किंग फॉर एन IT कंपनी। किस कंपनी में मैम? है नहीं, नहीं। कोई लड़की अच्छी IT कंपनी में काम करती है? TCS। देख रहे भाइयों कितने स्टाइल में बता रही, कुछ नहीं है, 3.2 लाख पर एनम और 3.5 लाख में लड़कियां कैब से ऐसे उतरती होकर के भाई से। ये लौंडों का 2-2 लाख रुपए दिन का पैकेज होता है। जब तक चिंगारी निकलाती ना अमेज़न जंगल से। सही में मेरे साथ एक लड़की जॉब करती थी, 18,000 रुपए सैलरी थी। जब फोन करो, बाल स्ट्रेट करा रही हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ, सैलून में ये कर रही हूँ, मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ, मेरी 50,000 सैलरी थी। काम वाली से उधार लिया मैंने, उसका नाम लक्ष्मी था, मुझे लगा इस पे तो होगी। इंडिया में अगर आप IIT से बीटेक करो 30 लाख का पैकेज लगता है, आप AIEEE से करो 15 लाख, आप UPTU से करो, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहां से मैंने करी, आप जिस कॉलेज से कर रहे होते उसी में सिक्योरिटी गार्ड लगते। मेरा पहला कैंपस प्लेसमेंट कैंपस में ही हो गया था। जो फोटोकॉपी वाले भैया नहीं होते कैंपस में, उसने जॉब ऑफर करी मेरे को। मैंने कहा काम क्या करना? कह रहा थूक लगा के पन्ने गिनने पूरा दिन। कोई पूछता था आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, नया बच्चा आके? मैं कहता ये कैसा बड़ा बच्चा है। मैं आज आपको एक साफ साफ बात बता दूं, मेरी AIEEE में 35 से ज्यादा रैंक थी। चार लाख थी मेरी। उसकी हॉस्टल वीडियो आई, मैंने फोन किया, मैंने भाई तू रैंक बता रहा था वीडियो में कितनी थी? कह रहा 2.5 लाख। मैंने कहा बस थी मेरी 4 लाख। कह रहा फिर तो तू अच्छा है पढ़ाई में भाई। मैं समझ गया, मैंने चीयर्स बोल के रखा और मुझे सच में लग रहा था रैंक अच्छी है। कंप्यूटर में मेरे नाम क्या रैंक लिखी, वापसी में साइबर कैफे से गाने गाता आ रहा हूँ कि बहती आवाज था वो। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। रास्ते मेरे दोस्त का फोन है, हर AIEEE का रिजल्ट आ गया। मैंने भूतनी के 4 लाख रैंक है तेरे भाई की। कह रहा आराम खोर, 3.5 लाख तो बच्चे ही बैठे थे। मैंने आखिरी बच्चे से 50,000 दूर था मैं, इतना गंदा पेपर करके आया। 240 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक भी ए नहीं था उसमें से। मैं घर जाके अपने बाप को रह। दोस्तों, हम लोगों ने वीडियो को देखा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को मिस मत करना आप लोग। हाँ, इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में दे दूंगा मैं, आप लोग जाके पूरी वीडियो वॉच करना, वीडियो बहुत ही लंबी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट होने वाली है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के सामने लाना चाहिए और आप लोगों को दिखाना चाहिए, तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर दूँ, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, उसमें करेंगे हम लोग बहुत सारी बातें। जब तक आप लोग रखना अपना ध्यान और बाय बाय करते हैं, बाय बाय।